आज के इस मौके पे जब हम लोग रमजान के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि हर चीज का कैसा जुड़ा हुआ है चीज, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो थोड़ी समझ मैं कोशिश करता हूं रमजान के बारे में, वो एक ये भी है कि अल्लाह सुभान व तआला पुराने किए हुए सभी गुनाहों को जलाने का, धोने का एक मौका देता है। और हमारी जिंदगी में, हम सब की जिंदगी में बहुत कुछ होता है। कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं। हमसे भी कुछ अच्छाइयां होती हैं और हमसे भी कभी कभी कुछ गलतियां होती हैं, क्योंकि हम ही इंसान हैं। लेकिन अब ऐसे मौके में जब मुझे मौका मिला, 11 महीने के बाद रमजान का महीना आता है, कि आप पुराने अपने सभी चीज को जला दो और एक, जिसे कहते हैं क्लीन स्लेट, एक नया चादर सफेद बिल्कुल शुरू करो, जिसमें पुराना कोई अकाउंट नहीं है गलतियों का। ये कितनी बड़ी चीज है। मैं मेरी जानिब से और मैंने सत्याद मुस्लिम की जानिब से तमाम पुलिस के अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ, और खसूस कर बल्दिया के जो अहदेदार हैं। अभी थोड़ी देर खबर बल्दिया की भी मीटिंग हुई, वो उस मीटिंग में मैं भी गया। हमेशा की तरह इंशाअल्लाह ताला इस वक्त भी माह रमजान में बल्दिया की तरफ से जो जो भी सहूलतें पहुँचाना इंशाअल्लाह ताला बल्दिया कमीशन ने वायदा किए, और वाटर्स की जानिब से भी, जैसा कि मस्जिद के अंदर पानी का इंतजाम किया जाता है हौजों में भरने के लिए, और जिन मस्जिद के अंदर हौज नहीं है, टैंक है, वहाँ पर डेली टैंकर के जरिए पानी मुहैया किया जाता है इंशाअल्लाह ताला। और इलेक्ट्रिसिटी की जानिब से भी, जहाँ चूंकि माह रमजान के महीने के अंदर लाइट का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिन जिन इलाकों में बाजारें हैं वहाँ पर हम एडिशनल ट्रांसफार्मर्स के लिए नुमाइंदगी कर चुके हैं इंशाअल्लाह ताला, वहाँ पर एडिशनल ट्रांसफार्मर लगा दिए जाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी के अहदेदार 24 घंटे वहाँ पर ड्यूटी अंजाम देंगे इंशाअल्लाह ताला। किसी किस्म का भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा होगा। तो मेरी खसूस कर आप लोगों के जरिए, जैसा कि अभी कह रहे थे कि आप लोगों के जरिए गुजारिश है, आप आवाम के दरमियान में रहकर, खसूस कर आयमा मसाजिद की जिम्मेदारी होती है कि मसाजिद के खुतबों के अंदर आप अरबी खुतबे के साथ ही साथ आप माशरे की बुराइयों को भी वहां पर जिक्र करना चाहिए, क्योंकि